दोस्तों, फलों के राजा आम और अचारों के राजा आम के अचार का सीजन आ चुका है, तो फटाफट कर लीजिए इसे बनाने की तैयारी और हमारी तरह से बनाकर खुशबू और स्वाद से भरपूर इस अचार को परिवार, रिश्तेदारों और अपने अजीजों को खिलाकर बटोर लीजिए तारीफें। पिछली वीडियो में हमने आम के लच्छा अचार का जिक्र किया था, उसकी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम बनाएंगे आम का ऐसा अचार जो बचपन में खाते थे, इसकी खुशबू आज भी जेहन में बसी हुई है। दोस्तों, आपके अपने चैनल स्वाद रहेगा याद पर मैं सोनी आई हूँ आम के अचार की बहुत ही उम्दा और टेस्टी रेसिपी लेकर। यहाँ हम खाने के साथ अचार के दूध से सेहत का नुस्खा भी बताएंगे। यह भी बताएंगे कि अचार और उनमें पाया जाने वाला मसाला किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को फायदा पहुँचाता है। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर अचार को बनाने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, दबा दीजिए बेल आइकन और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो जैसा कि हम ज़्यादातर अपनी रेसिपी में सेहत से जुड़े पहलुओं पर चर्चा करते हैं, आज भी करेंगे और बताएंगे कि अचार किस तरह से आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा पहुँचाता है। आम की बात की जाए तो आम में फाइबर होता है जो पेट साफ रखता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन ए आँखों के लिए फायदेमंद है या डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद है और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है, लू से भी बचाता है। मेथी बालों का झड़ना, कान का बहना, हृदय रोग, पेट रोग, कब्ज से छुटकारा दिलाती है। कलौंजी मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग, सर्दी और त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करती है। सरसों कैंसर की रोकथाम, अस्थमा, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, वजन कम करने में सहायक, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण करने में सहायक है। अजवाइन पाचन क्षमता में सुधार, पेट के संक्रमण को कम करती है, भूख और स्वाद में सुधार करती है, पेट के दर्द में उपयोगी होती है, पेट में ऐंठन को कम करती है, एसाइटिस में उपयोगी है, सूजन कम करती है और तिल्ली के लिए भी बहुत अच्छी है। सौंफ सांस की दुर्गंध मिटाए, वजन कम करने में फायदेमंद, पाचन के लिए फायदेमंद, बीपी कंट्रोल, अस्थमा में लाभदायक, रक्त शुद्ध करना और त्वचा के हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। धनिया डायबिटीज में फायदेमंद, ब्लड शुगर कंट्रोल करना, किडनी रोगों, एनीमिया कम करने, पाचन शक्ति बढ़ाने, कोलेस्ट्रॉल कम करने, आँखों की रोशनी बढ़ाने का काम करता है। जीरा एंटीऑक्सीडेंट होता है या सूजन कम करके मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। इसमें फाइबर, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक व मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें विटामिन ई, ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं। हींग खाली पेट खाने से पेट दर्द, गैस में आराम मिलता है। यह बीपी कंट्रोल, सिर दर्द, सांस से जुड़ी परेशानियों में फायदा करती है। काले नमक में आयरन होता है जो एनीमिया के रोगियों के लिए फायदेमंद है। तो अचार और इसके मसालों के गुण जान लेने के बाद आइए शुरू करते हैं अचार को बनाना। यहाँ हमने 1 किलो आम लिए हैं, इन्हें धोकर पोंछ लिया है। इसके बाद आम को कुछ इस तरह से टुकड़ों में काट लेंगे। दोस्तों, आम की गुठली भी पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, इसे फेंके नहीं, इसे भी अचार में डाल दें। अगर आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो फेंक भी सकते हैं। इसके बाद इसको हम करीब 4 घंटे तक धूप में सुखा लेंगे। इसके बाद इसमें हल्दी और नमक डालकर बाउल में रात भर के लिए ढककर रख देंगे। इसके बाद मसाले की तैयारी करेंगे। मसालों में हमने लिया है 2 चम्मच जीरा, करीब 4 चम्मच धनिया, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच पीली सरसों, 2 चम्मच काली सरसों, 2 चम्मच हींग, काला और सफ़ेद नमक स्वादानुसार बराबर मात्रा में, 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब 1 कप सरसों का तेल लेंगे। यहाँ आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, मगर अचार का असली स्वाद तो सरसों के तेल में ही है, इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया है। अब गैस पर पैन रखकर हम इन मसालों को भूनेंगे। धनिया, सौंफ, मेथी, जीरा, पीली सरसों, काली सरसों, अजवाइन को अलग अलग भूनकर ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। इधर पैन में तेल गरम करेंगे और धुआं निकलने लगे तो गैस बंद कर देंगे। इसके बाद तेल में डालेंगे जीरा,
हींग और हल्दी, मिर्च भी डाल देंगे। इधर प्लेट के मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब मसालों को मिक्सी में पीस लेंगे और इसका दरदरा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अब आम के कटे हुए टुकड़ों पर हम पीसा हुआ मसाला डाल देंगे। इसके ऊपर से काला और सफ़ेद नमक डालकर मिक्स करेंगे। इसके बाद पैन में गर्म किया हुआ तेल डाल देंगे, इसे अच्छी तरह मिला देंगे और कांच के कंटेनर में भरकर रख देंगे। इसे 3-4 दिन धूप दिखाने के बाद यह खाने लायक हो जाएगा। अचार की महक से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो दोस्तों, इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना। जिसे भी खिलाओगे अब पूछेगा कि कैसे बनाया। तो दोस्तों, हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। तो इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा और फिर मिलती हूँ किसी स्वाद और सेहत से भरपूर रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।